गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर 10th क्लास केमिस्ट्री एंड वी हैव स्टार्टेड आवर लेसन नंबर 3 जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या हैं? हम मेटल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे सबसे पहले, जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, अपना इलेक्ट्रॉन दे करके पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी हमने, वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? हार्ड, सॉलिड होती है, मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी, और हार्ड होते हैं एक्सेप्ट लिथियम पोटेशियम एंड सोडियम, जो कि सॉफ्ट मेटल आते हैं। और क्या था? लस्ट्रस, लस्टर्स होते हैं, शाइन होती है मेटल्स में, ये डिस्कस किया था हमने। और होते हैं मेलिएबल, मेलिएबल मींस हम उनको हैमर स्ट्राइक करके, हैमरिंग करके उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और गोल्ड और सिल्वर में सबसे ज़्यादा मेलिएबिलिटी होती है। और आपका ये नेक्स्ट है डक्टाइल, डक्टाइल डिस्कस किया था हमने। डक्टाइल क्या होता है? डक्टेबिलिटी क्या होती है कि हम मेटल को लॉन्ग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टी थी जो हमने डिस्कस की थी। अब कितनी होगी? 2, 4, 5, 6, सिक्स प्रॉपर्टी कौन सी है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी अगर हीट को जाने दे रही है कोई मेटल, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की भी कंडक्टर होगी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब गुड कंडक्टर ऑफ हीट कैसे हैं? मेटल्स जो है हीट को अपने अंदर से इजीली पास होने देती है। आप एक आयरन रॉड लीजिए, मान लो ये हमने एक आयरन रॉड ली है, ठीक है। यहाँ पर हमने फ्लेम स्टार्ट किया, हम उसे बहुत देर तक फ्लेम दे रहे हैं, और आपने उसको यहाँ से होल्ड किया हुआ है, ठीक है। आपने उसको यहाँ से होल्ड किया हुआ है, तो यहाँ से होल्ड करने के बाद क्या होगा, थोड़ी देर में जो हीट है पार्टिकल से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आ जाएगी, आपके हाथ तक आ जाएगी। काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि आयरन रोड है, ठीक है। अगर एल्युमिनियम की रोड होगी तो वो बहुत जल्दी ट्रांसफ़र कर देगी हीट को, ठीक है। एल्युमिनियम की रोड होगी तो बहुत जल्दी आपको हाथ गर्म फील होने लगेगा। तो ये हीट को पास कर रही है, हीट को अपने अंदर से ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। तो ये होते हैं गुड कंडक्टर, कंडक्ट करती है, कंडक्ट मीन्स उसको जाने देती है, ठीक है। कंडक्ट मीन्स क्या होता है, उसको पास होने देती है। जैसे कि आपके घरों में जो ये बर्तन होंगे, एल्युमिनियम के बर्तन जो आपके बॉयलिंग यूज़ करते हैं, वाटर बॉयलिंग के लिए यूज़ करते हैं या कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो एल्युमिनियम के होते हैं, मेटल्स के होते हैं। तो मेटल वो इजीली हीट अप हो जाते हैं, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, और जो आपका फूड है वो इजीली कुक हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह इसीलिए उनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। आप एक स्पून लो, स्पून में आप एक स्पून से अगर आप कुछ गर्म करना स्टार्ट करते हो, मान लो आपने स्पून लिया, उसके अंदर थोड़ा पानी लिया, उसे आप गर्म करना स्टार्ट करते हो, थोड़ी देर बाद जैसे ही पानी गर्म होगा आपका क्या होगा, जो आपका हाथ है, आपका जो फिंगर्स हैं जिससे आपने उस स्पून को पकड़ा हुआ है, उसको हीट फील होगी, ठीक है, हीट फील होगी। और ये अगर करना है तो कोई क्लॉथ यूज़ करना अपने हाथ में पकड़ के, और फिर उससे स्पून को गर्म करके देखना, ठीक है, वो क्लॉथ गर्म होने लगेगा धीरे धीरे और आपको हीट फील होने लगेगी। आप ऐसे ही नॉर्मली उसको यूज़ नहीं कर सकते, मतलब स्पून को पकड़ोगे तो आपकी हाथ चिपक जाएंगे और जल जाएगा आपका हाथ, ठीक है, क्योंकि उस वो गुड कंडक्टर होती है। तो जो आपके मेटल से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं, तो हीट को कंडक्ट करती हैं ईजिली। और क्या होती हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जैसे आपकी कॉपर वायर है, क्या है आपकी कॉपर वायर, कॉपर वायर क्या करती है इलेक्ट्रिसिटी को जाने देती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, पास होते हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो होती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मेटल्स क्या करता है, मेटल क्या करता है, फटाफट से अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। मेटल्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, उनमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं इजीली। जैसे ही थोड़ी सी हीट अप्लाई हुई, इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी पास होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में हेल्प करते हैं ये मेटल, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन को मूव करवा सकते हैं, इसीलिए मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, क्योंकि वो हीट ट्रांसफ़र करते हैं। एल्यूमिनियम आपका बेस्ट होता है कंडक्टिंग में ऑफ हीट, एंड कॉपर आपका कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बेस्ट होता है, ठीक है। कुछ मेटल्स जो आपके पुअर कंडक्टर भी होते हैं, ठीक है, किसके, हीट के, जैसे लेड है आपका, पीबी, लेड, मरकरी, एचजी, ठीक है, मरकरी और लेड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। एग्जाम में बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुड कंडक्टर तो सभी को पता है मेटल गुड कंडक्टर है, और अगर पूछा जाएगा, एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं बेसिकली एक एक दो दो मार्क्स में, बैड कंडक्टर ऑफ हीट कौन से मेटल्स हैं, लेड और मरकरी, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, ठीक है। और सबसे गुड कंडक्टर आप एल्यूमिनियम लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये हीट को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, ये हीट को कंडक्ट करते हैं ना, तो इनको थर्मल कंडक्टर भी बोलते हैं। हीट मतलब थर्मल, थर्मल कंडक्टर भी बोलते हैं इनको, और इस प्रोसेस को थर्मल कंडक्टिविटी, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, हीट को कंडक्ट करते हैं, हीट को कंडक्ट करते हैं फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल, हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ कंडक्टिविटी ऑफ हीट, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। आप एक आयरन की रोड लेकर, अगर आप एक जैसे जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, आपका जो सर्किट है वो ओपन है, ठीक है, वहाँ पर अगर आप टच करते हो तो आपको करंट फील होगा, आपको क्या होगा, करंट फील होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आपको करंट पास करके दे रहा है, कौन, आयरन, आयरन करंट पास करता है, कंडक्ट करता है, ठीक है। और अगर आप इसी तरह से वुड यूज़ करते हैं, वुड क्या है, नॉन मेटल है, कार्बन है उसके अंदर, वो नॉन कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता, तो वुड को आप लगाओगे आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए रबर है वो भी नॉन कंडक्टर है, रबर और आपके ये जो वुड हैं, ये आइटम्स यूज़ किए जाते हैं आपकी स्लीपर्स बनाने में, और मोस्टली बोला जाता है व्हेन यू वर्क फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिशियंस के जो बूट्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े मोटे रबर के होते हैं, और आपको भी इंस्ट्रक्ट किया जाता है, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है तो आप उसमें क्या यूज़ कीजिए, रबर की स्लीपर्स यूज़ कीजिए। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है किसकी, मेटल्स की डेंसिटी, मेटल्स कैसी होती हैं, हाईली डेंस होती हैं, मेटल कैसी होती हैं, हाईली डेंस होती हैं, ठीक है, मेटल्स कैसी होती हैं, हाईली डेंस होती हैं। डेंसिटी ऑफ मेटल्स इज हाई, हाईली डेंस होती है, यानी पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, पार्टिकल जो हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं इसके अंदर, पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। स्मॉलर द साइज ऑफ द मेटल एटम, स्मॉलर द साइज ऑफ द मेटल एटम का मतलब क्या है, मेटल एटम जितना बड़ा होगा उतनी डेंसिटी कम होगी, ठीक है। कहने का मतलब है, अगर मान लो आपकी भीड़ इस क्लासरूम में है, इस लैब में है मेरी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर बिठाया गया है, तो डेंसिटी ज़्यादा होगी ना, अब दो तीन स्टूडेंट तो डेंसिटी कम होगी, जितनी ज़्यादा बड़ा साइज़ है, आप इन्हीं स्टूडेंट को जब आप एक छोटे से रूम में बिठा देते हो तो डेंसिटी बढ़ जाएगी उस रूम की, अगर इस लैब में बिठाते हो तो डेंसिटी इंक्रीज़ है, तो जब डेंसिटी मेटल का साइज़ बढ़ता है तो डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है, मेटल का साइज़ छोटा हो जाता है तो डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और मेटल की 8th प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स जो हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका,
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? मेटल्स का होता है, ठीक है, और वो स्ट्रांग होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रांग, स्ट्रांग होते हैं। आप इजीली लोहे को तोड़ करके, लोहे को मार करके इजीली तोड़ नहीं सकते हो। टेंथ प्रॉपर्टी है वो क्या है? सोनरस। सोनरस, सोनरस क्या होते हैं? म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं। जो अगर हम उसको स्ट्राइक करते हैं तो उसके अंदर बहुत ही स्वीट सा म्यूज़िक प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर आप जैसे मेटल है आपकी, स्टील है, स्टील पे आप स्ट्राइक कीजिए, ठीक है, उसमें से आवाज़ आती है, उसमें से क्या आती है? आवाज़ आती है। तो वो सोनरस होते हैं मेटल्स, स्ट्रांग होते हैं, सोनरस होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, डेंसिटी हाई होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं मोस्टली, ठीक है। ये सब क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है मेटल, जिसके बाद हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।